ट्रैवल कर रहे थे तो इसी के कारण मोटो ब्लॉगिंग काफ़ी महीनों से नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आ चुका हूँ अभी। अच्छा फील आता है, ऐसा लगता है कि किसी पहाड़ी इलाके में आ गए हैं और यहीं से मैं जाता हूँ। वैसे दूसरा रास्ता भी है, थोड़ा सा शॉर्टकट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो पहली बार मैं ओला से आया, ओला बाइक से आया, अपने राइड का मज़ा लेता हूँ और आप लोग को बताता हूँ टोटल कॉस्ट कितना आया सेकंड सर्विस का। तो सेकंड सर्विस का कॉस्ट जो है, और यहाँ पे देखिए अभी पूरा पहाड़ी इलाका जैसा है, स्लो चलाइए और आगे पीछे देख लीजिए, इसका नाम है शूटिंग रेंज। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। एक साल में एक ही बार सर्विसिंग करानी होती है, 10,000 किलोमीटर या एक साल ऐसे आपको सर्विसिंग करानी होती है। मैंने गाइस मैं अभी जा रहा हूँ अपना बाइक लेने, आज सेकंड सर्विसिंग है तो बाइक को तो मैंने पहुँचा दिया था गाड़ी से, लेकिन पिकअप के लिए मुझे जाना है। अभी तकरीबन 12:15 बज चुका है, मैं ओला बाइक बुक किया है, पहली बार जा रहा हूँ ओला बाइक पर और आप देखिए मैं पीछे बैठा हूँ। तो अभी आधा घंटा में पहुँच जाऊँगा और आधा घंटा पहुँचने के बाद फिर बाइक लेके आते हैं। और ये फर्स्ट टाइम ओला कैब में बैठा हूँ, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पीछे बैठने का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी धुंध है, फॉग है, क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिवाली था। तो अभी एक हफ्ता 10 दिन तो ऐसे ही मौसम रहेगा, पोल्यूशन काफ़ी रहेगा। तो बस अभी आधा घंटे में सर्विस सेंटर पहुंचने वाले हैं। सो फाइनली बाइक सर्विसिंग हो गया है, काफ़ी धूप हो गया, तकरीबन 2 बज चुका है और काफ़ी गर्मी लग रहा है, काफ़ी टाइम लग गया। बाइक का इंश्योरेंस भी ड्यू था लेकिन इंश्योरेंस अभी हुआ नहीं है, काफ़ी टाइम लग रहा था तो मैंने बोला कि लिंक शेयर कर दो आप लोग, बाद में इसको पेमेंट कर देंगे। तो कितना खर्चा आया ये बताऊँगा अभी थोड़ा देर में। सेकेंड सर्विसिंग था और बाइक तो बहुत ही मक्खन की तरह चल रहा है, ज़्यादा चला नहीं है, 2,883 किलोमीटर्स ही चला है, तो बिल्कुल नहीं चला है ये। तो काफ़ी दिन बाद आज मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, बहुत दिन बाद इनफैक्ट बाइक भी चला रहा हूँ और मौसम ही नहीं था, काफ़ी ट्रैवलिंग भी कर रहे थे, काफ़ी बिजी भी था अपने पैशन के साथ, कॉलिंग के साथ, तो इसलिए मोटो ब्लॉगिंग का टाइम नहीं हो रहा था। गर्मी आ गया था बीच में, फिर बरसात आ गया, फिर ट्रैवल कर रहे थे तो इसी के कारण मोटो ब्लॉगिंग काफ़ी महीनों से नहीं कर पा रहे थे। तो अभी फिर से मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, आप लोग को ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे और सर्विसिंग के बाद बाइक एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। अभी आप लोग को बताऊँगा कितना खर्चा आया। तो यार कितने सारे बंदर है ये देख लो। तो मैं आ चुका हूँ अभी शूटिंग रेंज पे, ये शूटिंग रेंज वाला रास्ता है, मुझे यहाँ पे चलाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पीसफुल है, आपको दोनों तरफ पौधे पेड़ सारे चीज़ दिख जाएंगे तो बड़ा अच्छा फील आता है, ऐसा लगता है कि किसी पहाड़ी इलाके में आ गए हैं। और यहीं से मैं जाता हूँ, वैसे दूसरा रास्ता भी है, थोड़ा सा शॉर्टकट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और मैंने बाइक वाले भैया को भी यहीं से लेके आए, मैंने कहा उधर से नहीं जाना है। तो पहली बार मैं ओला से आया, ओला बाइक से आया, आपने देखा, हालांकि थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा मुझे, तकरीबन 250 रुपये लग गए मुझे बाइक से, वहाँ से जाते तो 170-180 लगता, लेकिन ठीक है मेरा टाइम भी थोड़ा सेव हो गया। और मुझे ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, यहाँ से देखिए अभी चढ़ाई शुरू हो जाती है, दोनों तरफ जो है आपको एरावली हिल्स दिखेगा बाद में, तो बहुत अच्छा फील आता है यहाँ पे। तो आप लोग नज़ारे का भी मज़ा लो, मैं राइड का मज़ा लेता हूँ और आप लोग को बताता हूँ टोटल कॉस्ट कितना आया सेकंड सर्विस का।
तो सेकंड सर्विस का कॉस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 8,200। जी हाँ, 8,200। शॉक्ड, थोड़ा सा ज़्यादा है मैं मानता हूँ, इतना तो गाड़ी का भी नहीं आता है, लेकिन भाई BMW है, इतना तो आपको देना पड़ेगा। जो लेबर चार्जेस है उसी का तकरीबन 2600 रुपये के आसपास है, लेबर का ही 2600 है, बाकी इसमें 2 लीटर ऑयल चेंज हुआ है। और यहाँ पे देखिए अभी पूरा पहाड़ी इलाका जैसा है, तो काफ़ी रिस्की होता है, तो ये थोड़ा धीरे चलाने होते हैं, यहाँ पे ओवरटेक भी करते हैं तो काफ़ी रिस्की हो जाता है, ब्लाइंड टर्न है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा स्लो चलाइए और आगे पीछे देख के चलाना ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है, क्योंकि बाइक एक्सीडेंट बहुत होते हैं और कई बार दूसरों की गलती की वजह से एक्सीडेंट होता है, तो इसीलिए आपको बहुत सावधानी से चलाना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे शूटिंग वगैरह मैचेस होते हैं इस जगह पे, तो इसीलिए इसका नाम है शूटिंग रेंज, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो 8,300 रुपये बेसिकली मुझे लगता नहीं है इतना ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको एक साल में एक ही बार सर्विसिंग करानी होती है, 10,000 किलोमीटर या एक साल ऐसे आपको सर्विसिंग करानी होती है। मैंने अभी रॉयल एनफील्ड का भी पूछा था, तो रॉयल एनफील्ड का भी 2,500 रुपये मांग रहे थे, और रॉयल एनफील्ड में कहता है कि हर क्वार्टर में कराना या हाफ़ ईयरली एक बार कराना है 6 महीने में, तो आप समझ लीजिए अगर 6 महीने में भी एक बार कराते हैं और 5,000 किलोमीटर में कराते हैं तो आपको तकरीबन 5,000 रुपये तो खर्चा आएगा रॉयल एनफील्ड में भी, तो इसका आप समझ लीजिए 3,500 रुपये एक्स्ट्रा है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, साल में एक ही बार खर्चा करना है तो दैट्स परफेक्टली फाइन। तो जो लोग भी इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बाइक तो ख़रीद लोगे लेकिन सर्विसिंग आएगा इतना, काफ़ी लोग जो है वो क्रीप करते रहते हैं, इतना ज़्यादा सर्विसिंग, अरे भाई पहले आप लोग को पता नहीं था क्या? आपको सब पता होता है, लेकिन बाइक भी चलानी है, प्रीमियम बाइक चलानी है आपको, और सर्विस भी आपको नहीं देना है, सर्विसिंग का पैसे जो भी लगता है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, क्वालिटी के साथ एक प्राइस आता है, ठीक है? तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो पैसे तो खर्चा करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है, और मैं हमेशा क्वालिटी पे विश्वास रखता हूँ। क्वांटिटी तो कोई भी ले लेगा, कोई भी दे देगा, लेकिन उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है, तो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसमें जो 8,300 रुपया है सर्विसिंग चार्ज, 2600 के आसपास लेबर चार्जेस ही लग गए, बाकी 2 लीटर तेल लगा है और भी बहुत सारे, ये आपको मैं स्क्रीन दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट, तो आप देख लेना क्या क्या काम हुआ है। तो बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ब्लॉगिंग करना भी भूल गए, ठीक है? तो अभी जाऊंगा सीधा यहाँ से पेट्रोल पंप, टैंक फुल करवाऊंगा, और कल एक राइड पे मेरे को जाना है, छोटा राइड, ब्रेकफास्ट राइड, बहुत टाइम हो गया है, कई महीने हो गए ब्रेकफास्ट राइड नहीं किया है, मौसम अभी ठीक है, तो कल एक ब्रेकफास्ट राइड करेंगे, अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, तो आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है? तो ये मैं एक छोटा सा अपडेट आप लोग को देना चाहता था कि सेकेंड सर्विसिंग का कितना खर्चा आया है, तो काफ़ी लोग शॉक्ड रहेंगे कि भाई बहुत महंगा है, लेकिन मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा, क्वालिटी के साथ पैसे देना पड़ता है, क्वालिटी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? इसी मैसेज के साथ और यही अपडेट के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं,
ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।